हेलो फ्रेंड्स, फुटबॉल से रिलेटेड मैंने अपने पुराने वीडियोस में बहुत सारे बातें बताएं, आज कुछ यूनिक बताऊंगा। फुटबॉल में आप अच्छा तभी परफॉर्म कर पाओगे जब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई होगा। आज का वीडियो होगा स्ट्रेटेजीज के ऊपर और इस वीडियो में मैं सिर्फ डिफेंडर्स को दिखाऊंगा, मगर ये वीडियो सारे प्लेयर्स को देखना चाहिए कि स्ट्रेटेजीज वर्क कैसे करते हैं, स्ट्रेटेजीज बनते कैसे हैं। आज के वीडियो में मैं कुछ आइडिया शेयर करूंगा जिसे आप अपने मैच में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि हम और अच्छे वीडियोस बना सकें। डिफेंडर का बात करते हैं तो हम अपने इन दो डिफेंडर्स को मेनली फोकस करेंगे। मैं सबसे पहला टिप सबसे शेयर करूंगा। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स क्या करते हैं, वो बॉल यहाँ पास करते हैं और उसके बाद आप रिएक्ट करते हो। इससे चांसेस बहुत हो जाता है कि वो बॉल अगेन यहाँ स्विच कर सके और आप उसको टाइम देते हो। तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, बताता हूँ मैं। तभी प्लेयर को चेक करना है जब विंगर राइट बैक या लेफ्ट बैक को क्लोजिंग करे, तभी आपको इसे चेक करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बॉल रिलीज नहीं करेगा क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सेकेंड टिप्स में ये बताऊंगा कि अगर ये प्लेयर इसे कट करता है तो भी गोल होने के चांसेस बन जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको हमेशा एक प्लेयर इसको कवर के लिए अपने राइट बैक या लेफ्ट बैक, जिस सिचुएशन में बॉल हो उस सिचुएशन में अपने राइट बैक या लेफ्ट बैक को एक कवर प्लेयर देना होगा। उससे क्या होगा, उससे हेल्प होगा कि अगर ये प्लेयर अगर इसको कट करता है तो आप इसे इंटरसेप्ट कर सकते हो। अगर आप इस पोजीशन पे अगर इसका सपोर्ट नहीं दोगे, अदरवाइज ही कैन क्रॉस और गोल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इन सब सिचुएशन में। तो ये था मेरा सेकंड टिप, अगर ये बॉल यहाँ पास करेगा तब आप इसे इंटरसेप्ट यहाँ कर सकते हो। ये दो प्लेयर इसके चेज में रहेंगे, इसे चेक करने के लिए जाएंगे और एक प्लेयर इसे चेक करेगा और दूसरा इसे कवर देगा। तो फ्रेंड्स, ये थर्ड टिप है, जब बॉल मिडफील्ड में हो तो डिफेंडर्स को कैसे पोजिशनिंग करनी चाहिए खुद की। तो फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा कि जब बॉल मिडफील्ड में हो, बेसिकली बॉल वो यहाँ रिलीज करते हैं और अदरवाइज यहाँ रिलीज करेंगे, मोस्टली ये यहाँ रिलीज करते हैं उसके बाद आप रिएक्ट करते हो। इससे क्या होता है, इस प्लेयर्स को टाइमिंग मिल जाता है ताकि वो टर्न कर सके और इन कर सके, या फिर बॉल वो यहाँ थ्रू कर सके या फिर यहाँ थ्रू कर सके, जिससे गोल होने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जब बॉल मिडफील्ड एरिया में हो तो आपको ऑलवेज इस प्लेयर को चेक करके रखना, ऑलवेज ऑल द टाइम इसे टाइम नहीं देना है, और ताकि वो बॉल को रिलीज करे और आप तुरंत इंटरसेप्ट एक्शन ले पाए। फ्रेंड्स, मैं अभी नंबर फोर टिप शेयर करूंगा आपसे, जो कि बहुत सारे डिफेंडर्स यही सेम गलती करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्या करते हैं कि जब भी प्लेयर इस पोजीशन में बॉल लेकर इन करता है, वो डायरेक्ट सामने से इसको चेस करते हैं। इससे क्या होता है, वो जस्ट 1-2 बॉल यहाँ प्ले करता है और फिर वो गोल स्कोर करने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है इसका। तो ये गलती बहुत सारे डिफेंडर्स के द्वारा होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कभी भी इस एंगल में चेज नहीं करना है। ऑलवेज जब वो बॉल इन कर रहा है तो हमें इस डायरेक्शन में अपने आप को रखना है, इस पोजीशन में अपने आप को रखना है और उसके बाद इस डायरेक्शन में उसको चेज करना है। इससे क्या होगा, इस डायरेक्शन में अगर हम चेज करेंगे, इससे क्या होगा, वो बॉल यहाँ पास नहीं कर पाएगा। अगर बॉल उसे यहाँ नहीं पास कर पाएगा तो वो इन करेगा बॉल लेकर, तो इससे क्या होगा, आपको समय मिल जाएगा। तो आप कंटिन्यूअस इसको चेक करेंगे या फिर बॉल इंटरसेप्ट भी हो सकता है, बॉल यहाँ वो रिलीज नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैं पांचवा टिप्स आपको शेयर करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिचुएशन बहुत सारे डिफेंडर्स को मतलब मैच के दौरान कई बार फेस करना पड़ता है। फ्रेंड्स, यहाँ क्या होता है, ये दो प्लेयर्स आपके सामने हैं और आप अगर इसे चेस कर रहे हो तो सिंपली ही विल पास हियर और गोल होने का चांसेस बहुत हो जाता है। और ये सिचुएशन बहुत ही डिफेंडर्स को फेस करना ही पड़ता है। तो इस सिचुएशन में मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन में आपको पहले कुछ फुटस्टेप इसके डायरेक्शन में आपको देना चाहिए, जिससे ये प्लेयर हेसिटेट हो और ये बॉल पास यहाँ ना कर पाए और इसको अकेले ही बॉल लेकर आगे जाना पड़े और तुरंत एकदम क्विक रिएक्शन के साथ इसको इंटरसेप्ट के लिए आपको चेस करना पड़ेगा, जिससे वो एक सिचुएशन पर वो सोचेगा या तो आपको कट करे या तो वो बॉल रिलीज ही करे, जिससे 90% प्लेयर लोग इंटरसेप्ट हो जाते हैं, बॉल मतलब स्नैच हो जाता है उनसे और आप सिचुएशन विन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो के कमेंट में बताओ कि मैं क्या विंगर स्ट्राइकर मिडफील्डर्स का प्रॉपर इस पर वीडियो बना सकता हूँ। इस वीडियो में मैंने बेसिक बातें बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सही लग रहा है, जिसे हेल्पफुल हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
and I can seize my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.